डॉक्टर वसंतराव देशपांडे जी की स्मृति में दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र नागपुर द्वारा प्रतिवर्ष डॉक्टर वसंतराव देशपांडे स्मृति संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है। इस समारोह का यह 31वां वर्ष है। वर्षों की इस परंपरा के अनुसार दिनांक 28 से 30 जुलाई के दौरान प्रतिदिन शाम 6:30 बजे प्रतिवर्ष की भांति डॉक्टर वसंतराव देशपांडे स्मृति सभागार में समारोह सम्पन्न होगा। भ्रष्टाचार विरोधी जनमन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने एक प्रेस नोट जारी कर बताया कि महाराष्ट्र प्रदेश में ई चालान पद्धति अक्टूबर 2020 से लागू हो गई थी, जिसके बाद से चालान की रकम में बेतहाशा वृद्धि हो गई है। लागू होने की तिथि से लेकर मई 2022 तक परिवहन विभाग महाराष्ट्र द्वारा कुल 7030447 ई चालान काटे गए, जिनकी कुल रकम तकरीबन 426.06 करोड़ रुपए है। राज्य चुनाव आयोग ने नागपुर समेत राज्य की 13 महानगर पालिकाओं के चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण ड्रॉ का कार्यक्रम घोषित किया है। शुक्रवार 29 जुलाई को सुबह 11 बजे महल से श्रीमंत राजे रघुजीराव भोसले नगर भवन में नागरिकों का पिछड़ा वर्ग ओबीसी आरक्षण का ड्रॉ निकाला जाएगा। विदर्भ क्षेत्र के राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखकर नागपुर से तिरुपति के लिए हवाई सेवा शुरू करने की मांग की है। सोनिया गांधी के खिलाफ सरकार द्वारा राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ईडी कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए इसके विरोध में शहर कांग्रेस द्वारा संविधान चौक पर शांतिपूर्ण आंदोलन किया गया, जिसमें शहर कांग्रेस अध्यक्ष विकास ठाकरे के नेतृत्व में पूर्व केंद्रीय मंत्री विलास मुतनेमवार, पूर्व पालक मंत्री नितिन राउत व अन्य सभी शामिल हुए। नागपुर शहर युवक कांग्रेस अध्यक्ष तौसिफ खान द्वारा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के जरिए अपनी कम उम्र बताकर गुमराह करने और अध्यक्ष पद पाने के आरोप तभी से लग रहे थे जब उन्हें अध्यक्ष घोषित किया गया था, लेकिन अब युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष वसीम खान ने उनके खिलाफ फर्जीवाड़ा का न केवल पुलिस में मामला दर्ज करवाया है बल्कि अदालत की भी शरण ली है। दरअसल वसीम ने तौसिफ की नियुक्ति को गलत बताते हुए महाराष्ट्र युवा कांग्रेस अध्यक्ष कुणाल राउत और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास से कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन पार्टी द्वारा किसी तरह की कार्रवाई नहीं होने के बाद उन्होंने अदालत की शरण ली और अदालत के आदेश पर अध्यक्ष तौसीफ के खिलाफ 420 सहित विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। सामनेर थापेवाड़ा गोंडखेरी फोरलेन सड़क विदर्भ के पंडरपुर के रूप में जाने वाली थापेवाड़ा और अदासा गणेश मंदिर के तीर्थ स्थलों तक पहुंचने के लिए नागरिकों को बड़ी सुविधा मिलेगी। इस मार्ग पर फ्लाईओवर पर अंडरपास के किनारे की दीवारों को विठल रुकमाई अदासा के गणपति और कोलबा स्वामी के जीवन यात्रा को चित्रित करने वाले चित्रों और रोशनी से सजाया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने विश्वास जताया कि यह फोर लेन सड़क भक्ति मार्ग बनेगी। बाला साहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय और ग्रामीण परिवर्तन योजना के तहत विपणन निदेशालय द्वारा राज्य में बाजार समितियों की वार्षिक रैंकिंग की घोषणा की जाएगी। राज्य के विपणन निदेशक सुनील पवार ने बताया कि राज्य में यह पहली बार है जब बाजार समितियों की वार्षिक रैंकिंग की घोषणा इस तरह की जाएगी। राज्य के पूर्व आलाधिकारी राधेश्याम मोपलवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कार्यालय में प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया है। मोपलवार किसी भी परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण और उन परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का मादा रखते हैं। कचरा संकलन करने वाली बीवीजी का इंडिया कंपनी ने करार की शर्तों व नियमों का उल्लंघन करने पर जयपुर मनपा कंपनी का ठेका रद्द किया। दूसरी ओर नागपुर में भी कंपनी द्वारा ऐसा ही कारनामा जारी होकर भी मनपा द्वारा कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मनपा की आम सभा में कंपनी का ठेका रद्द करने का प्रस्ताव किया गया था, परंतु विधि विभाग ने इस निर्णय के खिलाफ अपनी राय व्यक्त करने से कंपनी का ठेका अब भी कायम है।